नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक सुबह 9 बजे खबरें सुपरफास्ट। से पहले बंगाल बंद की खबरें आपको बता दें। सबसे पहले देखिए बरसात में वो तस्वीर जो कि तमाम सवाल खड़े करती है। टीएमसी के एक नेता इस कदर बेकाबू हुए कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पर लातों से हमला कर दिया। ये देखिए शर्मसार करने वाली ये तस्वीर जो कि बरसात से सामने आई है। महिला को किस तरह से पहले धक्का दिया गया, महिला जमीन पर गिरी। ये देखिए महिला बीच में आती है, इस महिला को मारा गया। पहले हाथों से मारा, फिर ये लात से किस तरह से, पैर से किस तरह से मारा इस महिला को। वो नीचे जा गिरी महिला। ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता यहां पर थी। बीजेपी और टीएमसी के बीच ये बंद युद्ध कब तक जारी रहेगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन उस बीच ये बेहद शर्मसार करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर सामने आई है। इस बंद युद्ध के दौरान ये भी नहीं देखा जा रहा है कि सामने कोई महिला है या उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही तरफ से प्रदर्शन करने वाले लोग आए, तभी उस बीच महिला कार्यकर्ता बीजेपी की बीच में आई और टीएमसी के कार्यकर्ता ने किस तरह से, देखिए इस महिला कार्यकर्ता को पहले उसके हाथ में जो डंडा था उससे मारा और फिर पैर से मारा, लात से मारा और वो महिला जमीन पर जा गिरी। सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी राजनीति हो रही है, राज्य सरकारें इस पर क्या कार्रवाई करेगी, ये देखना होगा। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार करने वाली तस्वीर इस बंद के दौरान देखने को मिल रही है। बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता दमखम लगा रहे हैं। उधर टीएमसी ये चाह रही है कि किसी तरह से बंद को असफल बनाया जाए और इस बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर सामने आई है जहां पर एक महिला के साथ इस तरह की हरकत होती है। एक महिला को पैर से लातों से मारा जाता है और वो महिला सड़क पर जा गिरती है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।